सत श्री अकाल बीबी बत्ती नवांशहर देख रहे हो। अगर कुड़ियां दे विच जज्बा होवे तां कुड़ियां किसे तो घट नहीं हन। कुड़ियां सरपंची छड्डो, MLA छड्डो, कुड़ियां CM तक बन सकदियां ने। हुण अजिहा ही एक मामला संगरूर तो सामने आया है। दस दईए कि पूरे पंजाब विच सरपंची दियां चोणां मुकम्मल हो गईआं। पिंड दी आवाम ने अपने अपने पिंड चों सरपंच अते पंच चुण लए हन। उत्थे ही जिला संगरूर ब्लॉक भवनीगढ़ दे पिंड हरकिशनपुर विखे 21 सालां दी धी नवनीत कौर ने सरपंची दे चोण मैदान च उतर के सरपंच दा खिताब जित लिया। दस दईए कि नवनीत कौर दी उम्र 21 साल दी है अते उसने 350 दी वड्डी लीड दे नाल सरपंची जित लई अते अपने परिवार दा नाम रोशन कर दित्ता। नवनीत दे पिता दा सुपना सी कि उसदी धी सरपंच बने, पर नवनीत दा सुपना सी कि ओह आयल्स करके बाहर जावे। पर पिता दा सरपंची आला सुपना पूरा करन खातर धी ने विदेश जाण दा ख्वाब ठुकरा दिता। ते नवनीत दे सरपंच बनन तो बाद संगरूर दी विधायक खास तौर ते उसनू मिलन पहुंचे ते वधाइयां दिंदियां होया नवनीत नाल खास तौर ते सियासत नाल संबंधित चर्चा कीती। अज पूरा पिंड इस धी ते माण महसूस कर रहा है। दिखाउंदे आं तुहानू मौके ते होई पूरी गलबात। मेरा नाम नवनीत कौर, मैं पिंड हरकिशनपुरे तो सरपंची की चोन लड़ी। ठीक है, किस तरह जहन चाहे नवनीत कौर भी सरपंची की चोन लड़ी जाए? एक तो पिंड के सहयोग के नाल बहुत ज़्यादा उन्होंने मैनू मौका दिता। एक घर की बहुत सपोर्ट सी, मेरे फादर साहब का भी तो मदर का भी दोनों का ही सुपना सी है ना कि पहला तो एवें भी चलो भी मदर सरपंची की चोन लड़ानी है ना। चलो भी मदर की डैथ होने तो बाद फादर साहब ने मेरे नाल सलाह करी भी आपां चलो तेनू लड़ाने है ना। उन्हां दी सपोर्ट के नाल असीं पिंड नाल जदों सलाह करी तो पिंड ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिता, तो फिर मैं सरपंची की चोन लड़ी। हाँ जी, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स आसरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चन्नो। उन्हां दा बहुत वधिया रिएक्शन सीगा, मतलब कि चलो जिवें मैनू मौका मिलिया है ना, हर एक कुड़ी नू भी अगे आने वाली नौजवान यूथ नू भी मौका मिलेगा है ना। अक्सर लोग यही कह देंदे ने गे कि हाँ घट उम्र दे जवाकां नू सरपंची ना दो, इन्हां नू की अकल आ, की विकास करनगे। पर मैनू यह लगता कि बंदे दे अंदर जज्बा ते हौसला होना चाहिए है ना। एक पिंड की सपोर्ट होनी चाहिए है, तो साडे पिंड ने सपोर्ट करके ये लोगों का वहम जो आ बहुत दूर कर दिता है। हाँ जी, उन्होंने तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर सी है ना। तुम्हें पता वो MLA की हूँ मौजूदा ने गे, तो उन्होंने मैंने यही कह रहा भी तू इलेक्शन लड़, मैं तेरी फुल सपोर्ट आ गई है ना। तो नाले नाल ही बेचारे ने बहुत ज़्यादा मैं मतलब सहयोग दिता। मतलब कि सब तो पहला तो मेन उ सिक्ख्या है ना। मैं आपके जोड़ा स्कूल हैगा उन्होंने मैं मतलब कि स्मार्ट स्कूल दे विच तब्दील करूँगी। बाकी जिवें बच्चे अजकल ला लो नौजवान पीढ़ी फोनों के वल जां फिर सोशल मीडिया के वल ज़्यादा एक्टिव हो रही है, तो मैं उन्होंने प्लेग्राउंडां दे विच जाण दी ज़्यादा सहूलत दूँगी। बाकी जो गवर्नमेंट वालों सहूलत मिलदियां ने हर घर दे विच उन्हां दा लाभ प्राप्त कराने की कोशिश करूँगी। गुरतेज सिंह जी, सरपंच नवनीत कौर दा डैडी जी। बहुत वधिया जी, खुशी हुई सानू। कुड़ी नहीं हैगी, वह मुंडा ही मेरा पहला दी मुंडिया वांगू पाली है, सुपना दी अपना मुंडिया वांगू रखी है। ऐ होया जी, पहला मिस जी नूं लड़ाउण दी चोण, उन्हां दी होगी डैथ, फिर उहदे करके फिर गुड़िया नूं तैयार कीता। गुड़िया नूं कहिंदी वी चलो आपदी मम्मी तां मैं करूं, फिर इस करके गुड़िया नूं लड़ाउणा पिया जी। तां इन्ना लगाव सी पिंड दे नाल जिहड़ा? बहुत ज़्यादा लगाव जी, अपने पिंड नाल बहुत प्यार है। पिंड दियां ने सहमति दित्ती भी हाँ भी गुड़िया नूं लड़ा, सारे नाल गल करी कहिंदे आपां गुड़िया नूं लड़ा। हाँ जी, आपां गए, बहुत वधिया गल्लां बातां हुई जी, उन्होंने वधिया उहो दित्ता जी, वधिया गल्लबात हुई उन्हां नाल, पूरा कुड़ी नूं आशीर्वाद दित्ता उन्होंने पूरा। सो बतौर पिता तुसी अपनी धी नूं की सलाह दोगे वी किहड़े किहड़े पिंड दे जिहड़े विकास कार्ज दे पहल दे आधार ते होणे चाहीदे ने? ये सारे जिहड़े काम लाइब्रेरी होगी जी, होर अपने सारे काम कराऊगी तां पिंड नूं तरक्की वल जिहड़ी लै। हाँ जी हाँ, जो भी काम आपां करावांगे जी। हाँ जी, मैं ये देखदा वी पहलां तां नगर दा बहुत मैं शुकराना करदांगा, जिहड़ी नगर ने इस लड़की नूं आपदा फतवा दित्ता गा। साडा जिहड़ा भरा इह इहदी दिलों इच्छा सी शुरू तों भी मैं जिहड़ी सरपंची की चोण इत्थों लड़ा, इहदी इच्छा सी भी मैं आपदी घरवाली नूं चोण लड़ावां, पर उह चलो नहीं रहे, डैथ हो गई उन्हां दी, तां इन्हां ने अपनी बेटी नूं पिंड दा जिहड़ा सरपंच देखणा चाहिया। पिंड ने इन्हां नूं बहुत वोटां नाल बहुत वधिया फतवे नाल
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਯੰਗੈਸਟ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਰੀਨਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਗਾ, ਇਹ ਆਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।